नमस्कार, ओम शांति। पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। पीस न्यूज की खबरों के साथ मैं हूँ शिवांगी। पेश है इस बुलेटिन की मुख्य खबरें। माउंट आबू के ज्ञान सरोवर में देश भर से आई महिलाओं का मंथन। शिक्षित और सशक्त बन सुखी एवं श्रेष्ठ समाज के निर्माण में भूमिका निभाने का आह्वान। लोकसभा की पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों ने की दादी जानकी से मुलाकात। कार्यक्रम में महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर। औरंगाबाद के छत्रपति शिवाजी सेवा केंद्र ने वृक्षारोपण कर दिया पर्यावरण बचाने का संदेश। बड़ी संख्या में पेड़ लगाने का संकल्प। गुरुग्राम के ओआरसी में मारुति कंपनी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के परिवार एवं बच्चों के लिए कार्यशाला। लखनऊ के आईआईएम में भी वैल्यूज पर सेमिनार। यूपी के हाथरस में जल संरक्षण पर संस्थान ने चलाया अभियान। मुंबई के बोरीवली में मेडिटेशन टू हील विषय पर सेमिनार। बड़ी संख्या में लोगों ने सीखा राजयोग से तनाव भगाने के मंत्र। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में युवाओं के लिए कार्यक्रम। आदर्श समाज निर्माण में भागीदारी निभाने की अपील। और त्रिनिदाद में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर संस्थान के प्रभारी बीके हेमलता को मिला अवार्ड। त्रिनिदाद में 38 सालों से योग सिखाने की उपलब्धियों पर मिला सम्मान। भारतीय उच्चायोग ने किया सम्मानित। अब खबरें विस्तार से। माउंट आबू के ज्ञान सरोवर में देश भर से आई 500 से ज्यादा कामकाजी तथा प्रतिष्ठित महिलाओं ने महिलाओं के उत्थान सशक्तिकरण समेत कई मुद्दों पर बेबाकी से चर्चा करने के लिए सम्मेलन में भाग लेने पहुंची। सम्मेलन में नारी के महान शक्ति से लेकर विभिन्न रूपों और दायित्वों पर चर्चा की गई तथा उसके समाधान के सकारात्मक उत्तर ढूंढे गए। स्वस्थ व सुखी परिवार में महिलाओं की भूमिका पर आयोजित इस वैचारिक अनुष्ठान के माध्यम से निकले निष्कर्ष अवश्य ही समाज को दिशा देने का सार्थक एवं सराहनीय कदम है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के महिला प्रभाग द्वारा आयोजित सम्मेलन का उद्घाटन झारखंड महिला आयोग की अध्यक्षा महुजा मोजी, मध्य प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्षा लता वर्ण खेड़े, अखिल भारतीय महिला संघ की अध्यक्षा संगीता सिंह, महिला प्रभाग की अध्यक्षा बीके चक्रधारी, माउंट आबू के वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके शीलू, प्रभाग की मुख्यालय संयोजिका बीके डॉक्टर सविता समेत कई महिलाओं ने दीप जलाकर किया। महिलाओं के अधिकारों, सशक्तिकरण और समस्याओं से निदान को केंद्रित करते हुए जिस तरह से देश भर से आई महिलाओं ने गहन मनन चिंतन किया, इसके साथ ही हर महिला को सशक्त बनाने पर ज्यादा जोर दिया गया। जन का कल्याण करे तू, शिव की शक्ति है नारी। जन जन का कल्याण करे तू, शिव की शक्ति है नारी। सदा रहेगी सृष्टि सारी नारी की आभारी। जन जन का कल्याण करे तू, शिव की शक्ति है नारी। महिलाओं ने अभी स्वीकार किया कि महिलाओं को आपसी मतभेदों के बजाय एकजुट होकर इस अभियान में जुट जाना चाहिए कि समाज में तेजी से फैल रही बुराइयों को उखाड़ फेंकने के लिए महिलाओं को शिक्षित होने के साथ शक्ति स्वरूपा भी बनना होगा। सबने कुछ ना कुछ स्ट्रगल किया है लाइफ में, ये जितने भी हैं, चाहे दहेज है, चाहे एजुकेशन है, चाहे कोई भी टॉपिक ले लो, तभी हम यहाँ तक आए हैं। आज का जो ये VIP वुमेन का है, तो हम सब में वो पावर है जिस बारे में हम बात कर रहे हैं, और ये अवेयरनेस सब जगह लाना है हमें। यदि महिला सशक्त बन जाए तो उसके सामने आने जाने वाले लोगों की दृष्टि और दृष्टिकोण दोनों ही बदलेगा। इसके लिए ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा सिखाए जा रहे राजयोग ध्यान को जीवन की प्राथमिकताओं में शामिल करने का संकल्प लिया गया। सम्मेलन में आई महिलाओं ने कहा कि अब समय आ गया है कि नारी खुद को कमजोर नहीं शक्तिशाली समझे और अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए श्रेष्ठ मार्ग की राही बने। ब्रह्म कुमारी की प्लेटफॉर्म की एक बहुत बड़ी खासियत है, क्योंकि वो आपको जिस मोड में आप हैं अभी, उस मोड से आपको डाइवर्ट करके वहां ले जाते हैं जहां आप थे, जो हमारा ओरिजिनल स्वरूप है, वहां से वो आपको कनेक्ट करते हैं कि अभी प्रेजेंट सिचुएशन में कहां ऊपर नीचे हो रहा है, कहां हमें एक स्टॉप लेके अपने आप को करेक्ट करने की जरूरत है। एज अ टीचर आई सल्यूट द स्पिरिट ऑफ प्रजापति ब्रह्म कुमारीज, यू नो दे हैव बीन वर्किंग सेल्फलेसली टू एजुकेट द सोसाइटी। आत्मा रूपी पुरुष अपने शरीर रूपी प्रकृति के द्वारा अपना अपना सुंदर रोल अदा करते थे।
एक दो से कोई नफरत नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं। लोकसभा की पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी स्टैंडिंग कमेटी दो दिवसीय माउंट आबू प्रवास के दौरान ब्रह्म कुमारी संस्था के शांतिवन का अवलोकन किया। इसके साथ ही डायमंड हॉल में आयोजित महिलाओं के कार्यक्रम में शिरकत कर संस्था प्रमुख राजयोगिनी दारी जानकी से भी मुलाकात की। इस अवसर पर कमेटी के चेयरमैन तथा कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रेणुका चौधरी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाओं को शिक्षित कर उनके सशक्तिकरण का प्रयास करना चाहिए। इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित महिलाओं से यह प्रतीत होता है कि शीघ्र ही विश्व का बदलाव होगा। तो इस मातृभूमि और इस मातृभाषा को संभालते हुए भारतवासी जो भी है, हमारे भाई बहन मानते हुए, उन लोगों के फायदे के लिए हम कैसे काम करें, ये आप ही हमको सिखा सकते हैं, ये मैं सचमुच मानती हूँ। कार्यक्रम में ओडिशा से राज्यसभा सदस्य भूपेंद्र सिंह, उत्तर प्रदेश श्रावस्ती के सांसद ददन मिश्रा, नागपट्टनम के सांसद के गोपाल, छत्तीसगढ़ के सांसद विक्रम उसेंडी समेत कई सांसदों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए पूरे विश्व में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सहयोग करने का आश्वासन दिया। हम कोई पार्लियामेंट में चाहे जितने भी कानून बना लें, हम वो नहीं कर सकते जो काम आज आप लोग कर रहे हैं। उस दिशा में माताएं बहने, आप जाजा के घर में आपकी आवाज उसको रोक सकती है। मैं यहाँ बैठे जब से आया हूँ, मैं आपकी ये मिसाल देख रहा हूँ। जितने आप देश के कोने कोने से आए, आप ये संभव कर सकती हैं, ये मेरा विश्वास है। एवरी ब्रह्म कुमारी, एवरी बहन, एवरी सिस्टर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज द एसेट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। माई सिंसियर थैंक्स टू दिस ऑर्गेनाइजेशन, द वे थिंग्स आर गोइंग ऑन, डेफिनेटली द नेशनल इंटीग्रेशन विल बी देयर। And this is an instrument to develop the country in a very right manner. कार्यक्रम में ब्रह्म कुमारी संस्थान के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, जयपुर सब जोन प्रभारी बीके सुषमा समेत कई लोग उपस्थित थे। अंत में सभी ने दादी जानकी से मुलाकात की तथा दादी के दीर्घायु होने की कामना की। महाराष्ट्र औरंगाबाद के छत्रपति नगर सेवा केंद्र द्वारा वृक्षारोपण का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद चंद्रकांत खैरे, विधायक संजय सिरसठ, महापौर त्रयंबक टोपे, महाराष्ट्र टाइम्स के संपादक धनंजय लांबे, नगर सेवक अप्पा साहेब हिवाले, शिवसेना सदस्य हरिभाऊ हिवाले, सेवा केंद्र प्रभारी बीके स्नेहल, भानुदास नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शीला ने वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर 550 पौधे लगाकर औरों को भी पर्यावरण की सुरक्षा का संदेश दिया गया। सभी उपस्थित विशिष्ट लोगों को ईश्वरी सौगात भेंट कर जीवन में आध्यात्मिकता को शामिल करने का आह्वान किया। गुड़गांव के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में मारुति कंपनीज के कर्मचारियों के बच्चों के लिए लाइफ स्किल कैंप का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ कंपनी के एचआर मैनेजर सीडी शर्मा, ओआरसी के राजो शिक्षिका बीके भावना और बीके रमा समेत अनेक बच्चों ने दीप जलाकर किया। कंपनी के एचआर मैनेजर सीडी शर्मा ने कहा कि बच्चों को इस प्रकार के वातावरण में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वहीं बीके रमा ने बताया कि राजयोग से बच्चों की स्मरण शक्ति बढ़ने के साथ व्यवहार में भी दिव्यता आती है। लखनऊ के गोमती नगर सेवा केंद्र द्वारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में वैल्यूज एंड इथिक्स विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें कॉरपोरेट ट्रेनर बीके वी स्वामीनाथन ने व्यवहारिक उदाहरणों के माध्यम से लोगों को मूल्यों का महत्व बताया, जिसकी सभी ने सराहना की। सेवा केंद्र प्रभारी बीके राधा, आईआईएम के निदेशक डॉक्टर अजीत प्रसाद समेत फैकल्टी मेंबर्स उपस्थित थे। उत्तर प्रदेश हाथरस के कलेक्ट्रेट में जल संरक्षण के संबंध में चर्चा करने के लिए ब्रह्मा कुमारीज के जल जागरूकता टीम को आमंत्रित किया गया, जिसमें अलीगढ़ के आनंदपुरी कॉलोनी की राजयोग शिक्षिका बीके शांता ने कहा कि दूसरों को कहने से पहले स्वयं करें तो दी हुई शिक्षा सफल होती है। इसके साथ ही जल बचत के कई समाधान सुझाए। वहीं जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह ने संस्था के सदस्यों का आभार व्यक्त किया और संस्थान द्वारा जल की बचत के लिए लोगों में फैला रही जागरूकता के प्रयास की सराहना की,
इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी सैयद अख्तर जैदी, जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रामवीर सिंह समेत कई अधिकारी गण उपस्थित थे। मुंबई बोरीवली ईस्ट के प्रभु उपवन सेवा केंद्र पर अ मेडिटेशन टच टू हील विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ एएपी के संस्थापक और अध्यक्ष डॉक्टर नीलेश दोषी, इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एडवांस्ड होम्योपैथी के निदेशक डॉक्टर अभय चड्ढा, योगा एंड भुवन थेरेपिस्ट के नेचुरोपैथ कंसल्टेंट डॉक्टर प्रकाश कोंडेकर, वास्तुशास्त्र सलाहकार परेश शाह, नवनीत शाह, बोरीवली सब जोन प्रभारी बीके दिव्य प्रभा ने दीप जलाकर किया। सोच को ठीक करो तो बीमारी धीरे धीरे अपने आप ही चली जाएगी, ये बात बीके दिव्या ने सेमिनार के दौरान कही। वहीं दवाई लेने के साथ सोच को सकारात्मक बनाने का आह्वान किया। कई बार कई प्रकार की बीमारी में यही खोज करनी पड़ती है कि मन में किस सोच की, किस विचार की तकलीफ है। अन्य विद्वानों ने भी अपने अपने विचार रखते हुए लोगों को स्वस्थ रहने की विधि सिखाई। नेपाल के वीरगंज में निर्माणाधीन ओम शांति भवन का शिलान्यास किया गया। इस मौके पर काठमांडू जोन के निदेशक बीके राज, वरिष्ठ उद्योगपति तथा उद्योग तथा वाणिज्य महासंघ के केंद्रीय सदस्य विजय कुमार सरावगी, बीके गुणराज, क्षेत्रीय संचालिका बीके रवीना समेत अनेक सदस्यों ने शिलान्यास किया और अपनी शुभकामनाएं दी, जिसमें बीके राज ने कहा कि यहां कोई साधारण भवन नहीं बनने जा रहा है, बल्कि संसार के दुखी अशांत लोगों के विषय विकार रूपी असाध्य बीमारियों से मुक्ति दिलाने में यह निमित्त बनेगा। कलयुग में सरल दृष्टि देने के लिए, शिक्षा देने के लिए तीन पैर पृथ्वी चाहिए, किना कि हम मानव संसार में हैं। मध्य प्रदेश ग्वालियर के महाराजपुरा स्थित गोल्डन वर्ल्ड रिट्रीट सेंटर में युवा प्रभाग द्वारा यूथ ट्रेनिंग का आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्टर डॉक्टर संजय गोयल, LNIPE के कुलपति डॉक्टर दिलीप दुरेहा, नेहरू युवा केंद्र के जिला संयोजक RS तोमर, माउंट आबू से प्रभाग के सदस्य बीके जितेंद्र, भोपाल जोन के निदेशक बीके अवधेश, भीनमाल से युवा प्रभाग के कार्यकारी सदस्य बीके गीता, प्रभाग के भोपाल जोनल संयोजक बीके रेखा समेत कई विशिष्ट लोग उपस्थित थे। संस्था के सदस्यों ने कहा कि आज युवाओं को सही मार्गदर्शन देने की आवश्यकता है, जो समग्र देश ही नहीं बल्कि समग्र विश्व को प्रकाशमान कर सके। प्रज्वलित युवा समग्र देश को ही नहीं लेकिन समग्र दुनिया को गाइड करे, प्रकाशमान करे और जगत की तमाम समस्याओं के लिए वे अपने आप को सदा प्रस्तुत करके और समाधान को लाएं। वहीं डॉक्टर दिलीप दुरेहा ने कहा कि आज देश के युवाओं के भटकने का जिम्मेवार उनका परिवार ही है, साथ ही कलेक्टर ने पूरे विश्व में संस्कार सिखाने वाली सिर्फ यह संस्था ही कहकर सदस्यों का आभार व्यक्त किया। आज हम अपने मॉरल्स भूल रहे हैं, परिवार में माता पिता के पास आज की दुनिया में अपने बच्चों के लिए समय नहीं है। बच्चा इसीलिए कुंठित है और अगर उनके समय है तो हर माँ बाप अपने बच्चों को सिर्फ इंजीनियर डॉक्टर बनाने की होड़ में लगा। और ये हमारा सौभाग्य है कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माध्यम से आज भी हम पूरे विश्व को ये रास्ता हम दिखा रहे हैं। इस मौके पर अरेरा कॉलोनी सेवा केंद्र से बीके आशीष ने ट्रक खींचकर लोगों को अचंभित कर दिया। मध्य प्रदेश के किशोर सागर सेवा केंद्र पर हॉकी के पूर्व वर्ल्ड चैंपियन अशोक चंद्र को सम्मानित किया गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके शैलजा, छतरपुर में खेल विभाग के संयोजक धीरज चौबे समेत संस्था के कई सदस्य उपस्थित थे। इस मौके पर अशोक ध्यानचंद ने कहा कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए अनुशासन का होना जरूरी है। वहीं बीके शैलजा ने अशोक ध्यानचंद को संस्था की गतिविधियों से अवगत कराया और उनको सम्मानित भी किया।
गुजरात के वणाक बारा में तनाव मुक्त खुशनुमा जीवन के लिए राजयोग विषय पर 5 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ अमृत लाल बारिया, दीव सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता, बीके डॉक्टर डोनिका प्रेम समेत कई अतिथियों ने दीप जलाकर किया। बीके डॉक्टर डोनिका ने राजयोग के प्रयोग द्वारा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य कैसे प्राप्त करें इसकी जानकारी दी। वहीं शिविर के दौरान कई उत्सव जैसे खुशी, परिवर्तन और आनंद महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने लाभ लिया। अंत में योग द्वारा बीमारियों व तनाव से मुक्त होने के लिए महाविजय महोत्सव मनाया गया तथा लोगों में योग के प्रति जागृति लाने के लिए रैली निकाली गई, जिसमें जिला पंचायत प्रमुख शशिकांत माओ ने हरी झंडी दिखाकर रैली की शुरुआत की। इस मौके पर अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भी भेंट की गई। हरियाणा के बहादुरगढ़ सेक्टर 2 सेवा केंद्र पर ज्योतिष विंग द्वारा अंडरस्टैंडिंग द स्पिरिचुअल लॉज ऑफ लाइफ विषय पर आयोजन किया गया, जिसमें ओआरसी से बीके योगप्पा, बहादुरगढ़ सेवा केंद्र प्रभारी बीके अंजलि, सेवा केंद्र प्रभारी बीके विनीता, बीके रेणु, बीके अमृता मुख्य रूप से शामिल रहीं। इस मौके पर सदस्यों ने बताया कि जीवन में सफलता हासिल करने के लिए आत्मिक बल और आध्यात्मिक ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। झारखंड गुमला के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ जिला उपायुक्त श्रवण कुमार साय, SDO कृष्ण कन्हैया, DDC नागेंद्र कुमार सिन्हा, बैंक प्रबंधक रवि प्रकाश, सेवा केंद्र प्रभारी बीके शांति ने दीप जलाकर किया। इस मौके पर उपायुक्त श्रवण कुमार ने कहा कि बुद्धि द्वारा आत्मा का परमात्मा से मिलन मनाना ही वास्तविक योग है। साथ ही बीके शांति ने राजयोग का महत्व बताकर अभ्यास कराया। वहीं बैंक प्रबंधक रवि प्रकाश ने सदस्यों का आभार व्यक्त किया और बीके अंजिता ने प्राणायाम कराया। मध्य प्रदेश सिवनी सेवा केंद्र द्वारा लोघरवाड़ा के द ग्रैंड राजवाड़ा सेलिब्रिटी लॉन में 2 दिवसीय राजयोग साधना शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ माउंट आबू से बीके भगवान, सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति, केवलारी सेवा केंद्र प्रभारी बीके समता, बीके रामेश्वरी समेत कई सदस्यों ने दीप जलाकर किया। 21वीं सदी में तनावपूर्ण वातावरण के प्रभाव से बचने के लिए राजयोग का अभ्यास जरूरी है, ये बात बीके भगवान ने शिविर के दौरान कही। वहीं अन्य सदस्यों ने भी अपने विचार जाहिर किए। आपकी भक्ति से, आपके योग से यहाँ का ऑरा ही बदल गया है, एक अलग तरीके का वातावरण यहाँ महसूस कर रहा हूँ मैं। मुझे अपनी लाइफ थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती थी पहले, पर जब से सेंटर ज्वाइन कर रही हूँ दीदी ने इतना अच्छा क्लियर करी मुझे कि एकदम हल्की हो गई, और भाई जी ने जो मुझे बताया ज्ञान उससे तो वाह वाह हो गया पूरा जीवन, वाकई में वाह वाह हो गई। इस मौके पर उपस्थित अन्य लोगों ने जहां शिविर की सराहना की, वहीं गीत संगीत के माध्यम से परमात्मा का स्मरण किया गया। संस्था से जुड़े लगभग 500 लोगों ने इसका लाभ लिया। दार्जिलिंग के कुर्सियांग सेवा केंद्र द्वारा रामकृष्ण उच्च माध्यमिक गर्ल्स स्कूल में नैतिक शिक्षा पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें माउंट आबू के राजयोग शिक्षक बीके भगवान, स्वामी श्री नित्यानंद महाराज, प्राचार्य बेनुका धक्कर, सेवा केंद्र प्रभारी बीके दुर्गा उपस्थित थीं। इस मौके पर बीके भगवान ने कहा कि नैतिक शिक्षा से परिवार एवं समाज में मूल्यों का विकास होता है। इसके साथ ही अतिथियों ने संस्था के सदस्यों का आभार व्यक्त किया। वहीं बच्चों ने भी अच्छे संग करना, अनुशासन से चलने जैसे अनेक संस्कारों को अपनाने का संकल्प लिया। ऐसे ही सनशाइन उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी नैतिक शिक्षा पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें प्राचार्य नोएल छवि, माउंट आबू के बीके भगवान, सेवा केंद्र प्रभारी बीके दुर्गा उपस्थित थीं। इस अवसर पर बीके भगवान ने कहा कि सहन करना और भाईचारे की भावना जैसे मूल्यों को धारण करना जरूरी है, क्योंकि मूल्यों के बिना जीवन भी मूल्यहीन बन जाता है। इस भौतिक शिक्षा के साथ साथ सहन करना, मीठा बोलना, सत्य बोलना, भाईचारा रखना, ये सब वैल्यूज को सीख के जाना जरूरी है। नई दिल्ली के द्वारका सेक्टर 17 सेवा केंद्र द्वारा सचदेवा ग्लोबल स्कूल में सकारात्मक सोच विषय पर सेशन का आयोजन किया गया, जिसमें राजयोग शिक्षक बीके मीनाक्षी, बीके संजीव, स्कूल की प्राचार्य एवं स्कूल के स्टाफ उपस्थित थे।
इस मौके पर बीके संजीव ने कई गतिविधियों के माध्यम से सकारात्मक सोच अपनाने की विधि बताई। वहीं बीके मीनाक्षी ने राजयोग का अभ्यास कराया। इसके साथ ही प्राचार्य ने ऐसे सेशन का आयोजन कर सभी को लाभान्वित करने पर अपना आभार व्यक्त किया। महाराष्ट्र के नागपुर महानगर पालिका द्वारा यशवंत स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भव्य आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारी समेत कई संस्थाओं को आमंत्रित किया गया, जिसका शुभारंभ केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, आरएसएस के महाराष्ट्र संघ संचालक राजेश लोया, महापौर प्रवीण दटके, सेवा केंद्र प्रभारी बीके रजनी समेत शहर के कई प्रतिष्ठित लोगों ने दीप जलाकर किया। इस मौके पर बीके रजनी ने राजयोग का अभ्यास द्वारा आत्मा का परमात्मा से संबंध जोड़कर आंतरिक ऊर्जा से तन और मन को स्वस्थ बनाने की प्रेरणा दी। वहीं सभी को राजयोग का अभ्यास भी कराया गया। इसके साथ ही अन्य संस्थाओं ने आसन प्राणायाम कराया, जिसमें लगभग 15,000 लोग लाभान्वित हुए। जबलपुर के कटंगा कॉलोनी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जन सामान्य को योग का प्रशिक्षण देने के लिए ब्रह्मा कुमारी को आमंत्रित किया गया। जबलपुर नगर निगम द्वारा मानस ग्रह सभागार में आयोजित सम्मान समारोह में नगर निगम के अधिकारी महापौर डॉक्टर स्वाति गोडबोले, नगर निगम अध्यक्ष सुमित्रा वाल्मीकि ने बीके विनीता को प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया। इस मौके पर बीके विनीता ने संस्था की ओर से अपना आभार व्यक्त किया। नई दिल्ली के हस्तशाल सेवा केंद्र में बच्चों के लिए समर कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके भावना ने बच्चों को नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी और मन को सशक्त बनाने के लिए स्वमान के साथ मेडिटेशन कराया। वहीं संस्था से जुड़े बीके राहुल व बीके शंभु ने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए व्यायाम कराया, जिसका बच्चों ने बढ़ चढ़ कर लाभ लिया। उत्तर प्रदेश बुलंदशहर के पचौटा गांव में नोएडा सेक्टर 26 सेवा केंद्र की ओर से राजयोग मेडिटेशन एवं योगिक खेती के विषय पर आयोजन किया गया, जिसमें संस्था से जुड़े बीके मनोज ने प्रोजेक्टर के माध्यम से लोगों को राजयोग का अभ्यास सिखाया एवं राजयोग के माध्यम से अच्छी फसल उगाने की विधि बताई, जिससे बहुत लोग लाभान्वित हुए। गुजरात के जेतपुर सेवा केंद्र में 3 दिवसीय तनाव मुक्त एवं खुशनुमा जीवन विषय पर शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें औरंगाबाद से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके डॉक्टर डोनिका, सेवा केंद्र प्रभारी बीके वनीता, बीके गीता उपस्थित थीं। इस मौके पर बीके डॉक्टर डोनिका ने कई गतिविधियों के माध्यम से तनाव मुक्त स्वस्थ एवं सुखी जीवन जीने की विधि बताई। इसके साथ ही राजयोग का अभ्यास भी कराया। बेंगलुरु के येलहंका न्यू टाउन सेवा केंद्र पर स्नेह मिलन का आयोजन किया गया, जिसमें महादेवनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके चंद्रिका एवं राजयोग शिक्षिका बीके रीटा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके विजय लक्ष्मी समेत संस्था से जुड़े कई लोग उपस्थित थे। इस मौके पर बीके चंद्रिका ने स्व उन्नति करने के लिए स्व चिंतन करने तथा प्रातःकाल ईश्वर का ध्यान लगाने की सलाह दी। अब कुछ खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत की। ट्रिनिडाड में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। भारत उच्चायोग संयुक्त राष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्रालय तथा ट्रिनिडाड और टोबैको सेवा केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में भारतीय उच्चायोग के उच्चायुक्त गौरी शंकर गुप्ता, योग सप्ताह आयोजन के अध्यक्ष देवराज तिमुल समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल थे। एनसीआईसी ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी संस्थान ट्रिनिडाड के प्रभारी बीके डॉक्टर हेमलता को अध्यक्ष देवराज तिमुल ने योग के क्षेत्र में की गई सराहनीय योगदान के लिए अवार्ड भेंट कर सम्मानित किया। डॉक्टर बीके हेमलता पिछले 38 वर्षों से ट्रिनिडाड में राजयोग सिखाकर लोगों का जीवन बदल रही हैं। लंदन के ग्लोबल कॉरपोरेशन हाउस में इंटरनेशनल योगा डे पर एशियंट आर्ट ऑफ राजयोग विषय पर मास्टर क्लास का आयोजन किया गया, जिसमें बीके जामिनी बीके मैथ्यू अर्ल ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में बताया तथा इंडियन हाई कमीशन के प्रतिनिधि राजन ने पूरे विश्व में सुख और शांति के लिए राजयोग मेडिटेशन को जरूरी बताया। वहीं ज्ञान सरोवर के निदेशक बीके डॉक्टर निर्मला और यूरोप सेवा केंद्र के निदेशक बीके जयंती ने मन का शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा की। इसके साथ ही बीके पर्ल जॉर्डन समेत अनेक सदस्यों ने नृत्य द्वारा बताया कि किस तरह से संबंधों को मधुर बनाने में योग की शक्ति का महत्व है।
जर्मन के फ्रैंकफर्ट में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज द्वारा स्टॉल्स लगाए गए, जिसका कई विजिटर्स ने अवलोकन किया और लाभ लिया। इस मौके पर दृष्टि सेशन भी आयोजित किया गया, जिसमें लोगों ने कई प्रकार की सुखद अनुभूति की। वहीं कोलेगने में भी योगा दिवस मनाया गया, जिसमें संस्थान के सदस्यों ने हिस्सा लेते हुए एक्सरसाइज की और योगा दिवस को सार्थक बनाया। माउंट आबू के बीके शांता कृष्णा ने इसराइल के कई क्षेत्रों का दौरा किया। टेल अवी सेवा केंद्र पर बिकमिंग द एम्बॉडीमेंट ऑफ नॉलेज फ्रॉम थ्योरी टू प्रैक्टिस विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बीके शरोना समेत कई विशिष्ट लोग उपस्थित थे। वहीं हैफा में भी मेडिटेशन एज हीलिंग पावर विषय पर पब्लिक प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इसके साथ ही अरड में बीके रिट्रीट का आयोजन किया गया, जिसमें 5 तत्वों को शुद्ध बनाने के लिए मेडिटेशन किया गया। अब पीस न्यूज की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है gws.peacenews.org और गॉडलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन करें gwdstudio.org पर। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई भी खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक ले दीजिए मैं इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।